तो आज का पहला मैच जो हम चैनल में वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं वो रहेगा ए लीग का मैच ब्रिस्बेन रोर वर्सेस एडिलेड यूनाइटेड एफसी के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो ब्रिस्बेन रोर और एडिलेड यूनाइटेड के बीच ये मैच ब्रिस्बेन रोर के होम ग्राउंड में अर्ली मॉर्निंग 10:35 AM पे खेला जाएगा। अब ये एक एलिमिनेटर मैच आप इसे कह लीजिए, यानी कि इन दोनों क्लब्स के बीच ये जो मैच है इसमें जो टीम हारेगी वो सीधे बाहर हो जाएगी ए लीग के प्लेऑफ से, और जो टीम जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहां उनका मैच होगा सिडनी एफसी से। तो अभी अगर आप स्टैंडिंग देखेंगे तो जो टॉप 6 टीम होती है ए लीग यानी कि ऑस्ट्रेलियन लीग में, उनको प्लेऑफ्स में जगह मिलती है, जिसमें टॉप 2 टीम्स को डायरेक्ट एंट्री प्लेऑफ्स में मिलती है, और 3, 4, 5 और 6 के बीच होता है एलिमिनेटर मैच। तो एक फर्स्ट एलिमिनेटर मैच हो चुका है जिसमें कि सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स को मैकार्थर एफसी ने हरा दिया है। अब ये सेकंड एलिमिनेटर मैच है जो कि है नंबर 4th प्लेस ब्रिस्बेन और नंबर 5th प्लेस एडिलेड यूनाइटेड के बीच। अगर आप देखेंगे दोनों ही टीम्स ने 26-26 मैचेस खेले हैं, जहां ब्रिस्बेन रोर ने 36 गोल स्कोर किए, लेकिन उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड था। इवन आप उनका लीग में सेकंड बेस्ट डिफेंस था, सिर्फ 28 गोल उन्होंने कंसीड किए, 40 उनके पॉइंट थे। एडिलेड यूनाइटेड ने ब्रिस्बेन रोर के कंपैरिजन में 3 गोल ज़्यादा मारे यानी कि 39 गोल स्कोर किए, लेकिन उनका डिफेंस ब्रिस्बेन रोर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 41 गोल कंसीड किए हैं, 39 उनके पॉइंट है। तो ओवरऑल इन दोनों टीम्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अटैक दोनों टीम का लगभग सेम है, लेकिन जो डिफेंस है उसमें ब्रिस्बेन रोर कई ज़्यादा आगे है, यानी कि उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एडिलेड यूनाइटेड। और ये मैच भी ब्रिस्बेन रोर के होम में होने वाला है, तो उनको काफ़ी अच्छा होम एडवांटेज होगा, फैंस के बीच वो खेलने वाले हैं। तो अब अगर हम देखते हैं इस सीज़न इन दोनों क्लब्स के बीच 2 मैचेस ऑलरेडी हुए हैं, जिसमें कि पहला मैच 3-1 से ब्रिस्बेन रोर ने अपने होम में जीता था, और दूसरा मैच एडिलेड यूनाइटेड ने 1-0 से अपने होम में जीता। यानी कि एक एक मैच दोनों ही क्लब्स जीते हैं, लेकिन दोनों क्लब्स अपने अपने होम में मैच जीते हैं। तो ये मैच श्योरली ब्रिस्बेन रोर के होम में, और उनको होम एडवांटेज फिर से कह रहा हूँ रहने वाला है। तो अब हम रीसेंट फॉर्म देखते हैं। वैसे तो एलिमिनेटर मैच है, एक मैच में एक दिन होता है आपका जब आपकी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। अगर वो दिन हुआ उस टीम का तो उस केस में रीसेंट फॉर्म मैटर नहीं करेगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एडिलेड यूनाइटेड की रीसेंट फॉर्म आप देखेंगे, 1-0 मेलबर्न विक्ट्री को हराने के बाद 4-1 से बुरी तरह सिडनी से हारे। पिछला जो लास्ट मैच हुआ 2-2 ड्रॉ खेला वेस्टर्न सिडनी वंडर से। तो जो रीसेंट फॉर्म है एडिलेड यूनाइटेड की काफ़ी अप एंड डाउन सी है, एक लॉस है, एक विक्ट्री है और एक ड्रॉ है। अगर हम देखें ब्रिस्बेन रोर की रीसेंट फॉर्म, उनकी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, 2-1 वो भी वेस्टर्न सिडनी वंडर से हारे। उसके बाद उन्होंने 2-1 पर्थ ग्लोरी को हराया, लेकिन लास्ट मैच वो भी सिडनी एफसी से 2-0 से हार गए। तो ये दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म आप देखेंगे कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। दोनों ही टीम्स अपना जो पिछला मैच है या ड्रॉ करा के आ रहे या हार के आ रहे, तो रीसेंट फॉर्म वाइज भी आउट ऑफ फॉर्म जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये मैच दोनों ही क्लब्स के इस सीजन का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रोबेबल लाइनअप पे। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मैच की जो फाइनल SL टीम है 10:30 से पहले लाइनअप आएगी। 10:30 से पहले ही मैं जो फाइनल SL टीम है टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम में @fantasysportsspy सर्च मारेंगे, 2.7K से ज़्यादा सबसे वाला चैनल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको जुड़ जाना है। इस मैच की फाइनल SL टीम के लिए यूरोज स्टार्ट हो गए, सभी यूरोज मैचेस मैं कवर कर रहा हूँ, और यूरोज में पर डे एक मैच की 8 ग्रैंड लीग टीम भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइए, आपकी काफ़ी अच्छी विनिंग्स हो सकती है। ऑलमोस्ट सभी फुटबॉल मैचेस रेगुलरली हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं। अब हम डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे, वन साइडेड मैच नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों टीम्स के प्लेयर मिक्सअप करेंगे अपनी जो फाइनल 11 होगी हमारी ड्रीम 11 में। तो फिलहाल के लिए पहले ब्रिस्बेन की बात कर लेते हैं। यंग इनके गोलकीपर होने वाले, अभी गोलकीपिंग सेक्शन अनडिसाइडेड है, क्योंकि दोनों टीम्स के गोलकीपर काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव गोलकीपर्स हैं, तो फिलहाल गोलकीपर मैंने कोई भी पिक नहीं किया, आप गोलकीपिंग सेक्शन को अभी भी मैं अनडिसाइडेड ही कह रहा हूँ। नेविल एल्ड्रेड और गिलेस्पी इनके 3 सेंटर बैक है। आप जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो ब्रिस्बेन का डिफेंस है एज़ कम्पेयर टू द अपोनेंट काफ़ी सॉलिड डिफेंस है ब्रिस्बेन का, तो उस केस में मे बी आप इनके ज़्यादा डिफेंडर्स ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। तो जो नेविल एल्ड्रेड गिलेस्पी हैं, इसके अलावा कोरी ब्राउन और ब्रिंडल साउथ, ये 5 प्लेयर हैं डिफेंस सेक्शन में लिस्टेड ड्रीम 11 में। इन 5 में मेरी नंबर 1 पिक रहेंगे कोरी ब्राउन, इनके लेफ्ट बैक।
अगर आप इनके इनके स्टैट देखेंगे तो ऑलमोस्ट एज अ विंगर की तरह ही खेलते हैं। 7 असिस्ट है इनके इस सीजन और इस टीम के टॉप असिस्ट गेटर यही प्लेयर है कोरी ब्राउन। ऑफेंसिव स्टैट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्रॉसेस काफ़ी अच्छे दागते हैं, इसके अलावा डिफेंसिव स्टैट भी इनके बहुत अच्छे हैं। तो कोरी ब्राउन नंबर 1 पिक रहेगा। नंबर 2 पिक मेरी गिलेस्पी रहेंगे जो कि लास्ट 2 मैचेस नहीं खेले, इस मैच में वापसी करेंगे, बहुत बड़ा मैच है। अगर आप देखेंगे एक सेंटर बैक के गिलेस्पी जो इनके सेंटर बैक है, 3 गोल हैं और 3 असिस्ट हैं, तो इतने इंप्रेसिव स्टैट एक डिफेंडर के हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारी टीम में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा क्लीन शीट होने में उसके पॉइंट देगा, पासिंग पॉइंट भी देगा, तो गिलेस्पी भी मस्ट पिक रहेंगे। अगर इसके अलावा आपको नंबर 3 पिक जाना तो वो मेरी हो गया ब्रिंडल साउथ। लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छा ब्रिंडल साउथ का परफॉर्मेंस रहा, 2 गोल भी है इनके नाम, ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों जगह से पॉइंट देंगे, तो ये 3 प्लेयर तो मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा मे बी आप ऑलड्रेड या नेविल में से किसी एक को पिक कर सकते हैं, मे बी मेरी 4 चॉइस ऑलड्रेड रहेंगे, टॉम अल्ड्रेट, उसके बाद मैं नेविल के साथ जाऊंगा जो कि अभी रिसेंटली आईएसएल में भी खेल चुके हैं। तो ये कुछ इनके डिफेंस से मेरी प्रिफरेंस है। वैसे मैं एज कंपेयर टू अपोनेंट इनके ज़्यादा डिफेंडर्स पिक करूंगा क्योंकि इनका डिफेंस सॉलिड है और इनका क्लीन शीट का भी काफ़ी अच्छा चांस है। हालांकि पोजीशन डोमिनेट जो होगी वो 50-50 होगी मेरे अकॉर्डिंग, कोई एक साइड हैवीली पोजीशन यहाँ पे डोमिनेट नहीं करने वाली। ओशी और डेली इनके 2 सेंट्रल मिडफील्डर है, डेली ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है तो फिलहाल प्रॉपर जीएल पिक होंगे, लेकिन ओशी जो है वो इस टीम के मेन पेनल्टी टेकर है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 गोल 3 असिस्ट है, कॉर्नर किक फ्री किक भी शेयर करते हैं दूसरे प्लेयर के साथ लेकिन पेनल्टीज यही लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी चांसेस क्रिएट भी करते हैं, बीच बीच में रैंडम गोल असिस्ट भी करके देंगे ओपन प्ले से, तो ओशी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। और इनका आप सिलेक्शन रेट देखेंगे काफ़ी हाई है, कैप्टनसी सिलेक्शन रेट देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। हालांकि मैं इनको डिफॉल्ट कैप्टन नहीं कह रहा हूँ, फिर भी ये एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी तक जितना भी ब्रिस्बेन का गेम देखा है, जो इनके मुझे बेस्ट प्लेयर लगे वो है रिकू डंजागी। हालांकि इनका सिलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, फ्यूचर स्टार है, फ्यूचर में आपको श्योरली किसी बड़े क्लब में दिखाई देगा। क्या रेड हॉट फॉर्म में बंदा चल रहा है, 9 गोल 1 असिस्ट है, जैपनीज प्लेयर है, टॉप स्कोरर है इस टीम का और इसके अलावा एक असिस्ट भी है। पेस बहुत रॉ है इनके पास, काउंटर अटैक में किसी भी अपोनेंट को ये प्लेयर डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो डंजाकी मस्ट पिक रहेंगे और हो सकता है मे बी मैं इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी कंसीडर अपनी टीम में कर सकता हूँ। तो डंजाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं। पार्सन्स और वेंजल हॉल इनके 2 फॉरवर्ड होंगे, पार्सन्स एक यंगस्टर है और रीसेंट 4-5 मैचेस इस प्लेयर के भी बहुत अच्छे गए हैं। अगर आप देखेंगे 2 गोल 2 असिस्ट है लास्ट 4-5 मैचेस में ही आए, तो फॉर्म वाइज पार्सन्स अच्छे हैं, हालांकि सिलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिलहाल एक 50-50 होगा, मे बी मैं पिक कर सकता हूँ, मे बी मैं इग्नोर कर सकता हूँ। वेंजल हॉल्स ये इनके सेकंड टॉप स्कोरर है, 7 गोल 3 असिस्ट, लेकिन वेंजल हॉल्स की जो रीसेंट फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा खराब है। लास्ट 6 या 7 मैचेस में इनका गोल असिस्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अनलकी भी रहे हैं, 1-2 बार क्लोज आके ये गोल मिस कर गए, लेकिन फिर भी जब भी ये खेलते तो ऐसा लगता है गोल असिस्ट श्योरली कर सकते हैं, तो मे बी मैं इनको भी अपनी टीम में पिक कर सकता हूँ। अच्छे प्लेयर है, 7 गोल किए हैं, तो क्वालिटी वाइज कुछ भी कमी नहीं है, बस थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है और एक मैच लगता है वापस फॉर्म में आने में, तो वेंजल हॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हालांकि मस्ट पिक नहीं कह रहा हूँ। तो ये कुछ ब्रिस्बेन रोर की प्रोबेबल 11 थी, ऑलमोस्ट सभी प्लेयर सभी सीनेरियोस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये कुछ स्टेट है, इनमें से कोई और प्लेयर खेलता है तो आप ये स्टेट देख के उसको अपनी टीम में पिक या इग्नोर जो भी करना है कर सकते हैं। अब अपोनेंट की बात करते हैं, उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हैं, एक बार फिर से रिमाइंड दिला रहा हूँ, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में @fantasysportsspice सर्च मारेंगे, 2.7K से ज़्यादा सब्स आपको मिलेंगे, इस चैनल से आप जुड़ जाइए। लाइन अप आने के बाद इस मैच की फाइनल एसएल टीम यहीं पोस्ट करूंगा, ऑलमोस्ट सभी यूरोज मैचेस हम यहीं कवर कर रहे हैं, तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं जो अपोनेंट है एडिलेड की, डेलिनोव इनके गोलकीपर होंगे, फिलहाल गोलकीपिंग सेक्शन अनडिसाइडेड है, यह आपको पता चलेगा टेलीग्राम चैनल में। स्ट्रेन मरोन जेकब्सन और कीटो इनके 4 डिफेंडर्स हैं, वैसे इनके किसी भी डिफेंडर्स ने इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, फिर भी स्ट्रेन जो है इनके राइट बैक, इनके ऑफेंसिव डिफेंसिव नंबर्स अच्छे हैं, खासतौर पर डिफेंसिव टैकलिंग नंबर्स, तो फिलहाल के लिए अगर किसी डिफेंडर को आपको इनकी टीम से पिक करना है वो नंबर 1 चॉइस मेरी स्ट्रेन रहेगा। अगर आप देखेंगे तो इनके डिफेंसिव ऑफेंसिव नंबर अच्छे हैं, कीटो भी एक डिसेंट ऑप्शन है, मे बी ये मेरी नंबर 2 चॉइस रहे, इसके अलावा मरोन जेकब्सन ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में मैं सिर्फ इनके एक ही डिफेंडर पिक करूंगा, या हो सकता है 2 पिक करूं, उस केस में मैं स्ट्रेन और कीटो दोनों को पिक करूंगा। जावी लोपेज और डी अरिगो इनके 2 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे, लोपेज ने लालीगा में खेला है लेकिन ये सीजन उतना ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं गया, तो फिलहाल के लिए जीएलपी की कहूंगा, लेकिन डी अरिगो को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं।
हालांकि स्टैट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कॉर्नर फ्री किक्स ये लेते हैं। इसके अलावा पासिंग एबिलिटी अच्छी है, चांसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, टैकल्स इंटरसेप्शन के पॉइंट दे सकते हैं। तो मैं भी पहले डी आर ई को देन लोपेज में प्रीफर करूंगा। अब जो इनके अटैकिंग मिडफील्डर है मॉक नाम का प्लेयर खेलेगा, अगर आप देखेंगे इनके स्टैट तो 7 गोल है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। लेकिन जो मॉक है इन्होंने 7 गोल ये मारे थे स्टार्टिंग के 12-13 मैचेस में, उसके बाद से 8-10 मैचेस हो गए इन्होंने ना गोल किया है ना असिस्ट किया है। हालांकि सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे, क्वालिटी वाइज अच्छा प्लेयर है, केपेबल जरूर है, लेकिन उतना ज़्यादा रिसेंटली मैचेज में परफॉर्म नहीं कर पाया। तो फिलहाल के लिए एक 50-50 डिसीजन होगा। पूरी तरह से गोल असिस्ट करने में केपेबल है, चांसेस क्रिएट करेगा, थोड़े बहुत टैकल्स इंटरसेप्शन के पॉइंट दे सकता है। तो मे बी मैं मॉक को पिक कर सकता हूँ या हो सकता है इग्नोर भी करूँ। अब जो इस टीम का बेस्ट प्लेयर है वो है गुडविन। अगर आप देखेंगे कि गुडविन 8 गोल टॉप गोल स्कोरर, 5 असिस्ट हैं इसके। इसके अलावा पेनल्टीज भी यही लेगा, सारे कॉर्नर किक फ्री किक्स भी यही शेयर करते हैं। तो गुडविन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक बहुत अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहने वाला है। अगर एडिलेड को ये मैच जीतना है, सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो उस केस में गुडविन को अपने बेस्ट में रहना होगा। तो गुडविन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालोरान मेरे अकॉर्डिंग जो रिसेंट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा गुडविन के साथ। 4 गोल 5 असिस्ट है, रिसेंटली ये प्लेयर काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो गुडविन हालोरान दो मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं, इसलिए दोनों को येलो कलर से हाईलाइट मैंने किया है। टॉमी जूरिच, इनके भी 7 गोल हैं, लेकिन ये इंजरी से वापसी कर रहे हैं और अभी तक पिछले मैच में तो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, लेकिन ये भी एक नंबर 9 है प्रॉपर। अच्छी सर्विस मिलती है गुडविन हालोरान या फुलबैक से या किसी और प्लेयर से, तो पूरी तरह से गोल करने में केपेबल है। तो मे बी आप पिक कर सकते हैं, मे बी इग्नोर कर सकते हैं, ये भी एक 50-50 कॉल रहने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल असिस्ट नहीं कर सकता, पूरी तरह से गोल करने में केपेबल है। जो बंदे ने 7 गोल मारा है वो बंदा आप समझ ही सकते हैं गोल कभी भी किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट कर सकता है। तो ये कुछ एडिलेड यूनाइटेड की प्रोबेबल 11 थी। ऑलमोस्ट सभी मेन प्लेयर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कुछ स्टेट इनमें से कोई और प्लेयर खेलता है तो आप ये स्टेट देख के उसको अपनी टीम में पिक या इग्नोर जो भी करना है कर सकते हैं। फिलहाल जो प्रिडिक्शन है, जो मेरी पहली प्रिडिक्शन है वो है 1-1 ड्रॉ, और जो मेरी सेकंड प्रिडिक्शन है उसमें मैं थोड़ा सा ब्रिस्बेन को फेवर कर रहा हूँ जो अपने घर में खेल लिया, और उनका डिफेंस एज कम्पेयर टू एडिलेड काफ़ी सॉलिड है। तो दूसरी प्रिडिक्शन मेरी 2-1 है, हालांकि ये 1-0 ब्रिस्बेन भी हो सकता है। अब फिलहाल के लिए एक डेमो टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि फाइनल नहीं है, एक रफ टीम आप कह लीजिए। तो इसमें मैंने गोलकीपर अभी अनडिसाइडेड है तो गोलकीपर नहीं यहाँ पे पिक किया है, गोलकीपर आपको टेलीग्राम में ही पता चलेगा। अब मैं यहाँ से जो ब्रिस्बेन के 3 डिफेंडर्स लेके आऊँ, गिलेस्पी, ब्राउन और ब्रिंडल साउथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से मैं एक इनके डिफेंडर एडिलेड के स्ट्रेन लेके आऊँ। मिडफील्ड में ओशी डिफॉल्ट पिक मैंने पिक किया है, फॉरवर्ड में डंजाकी पिक किया है, और यहाँ से मैंने हालोरान और गुडविन दो इनके डिफॉल्ट पिक पिक कर लिए। अब मॉक जिसके बारे में मैंने अभी बताया 7 गोल है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, इस पर भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट लेके पिक जरूर किया है, हालांकि अभी हो सकता है मैं टेलीग्राम में लाइनअप आने के बाद इसको चेंज कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ से वेंजल हॉल्स पर पॉइंट लिया है, आप चाहें तो वेंजल हॉल्स की रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, इनके प्लेस में मे भी आप चाहे टॉम ज्यूरिच को पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक रफ टीम है, आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी में अभी भी मैंने यहाँ पे अनडिसाइडेड हूँ, वो जब लाइनअप आएगी उसके बाद ही मैं पिक करूँगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी में ओशी अच्छे ऑप्शन है, गुडविन अच्छे ऑप्शन है, मे बी डंजाकी भी अच्छे ऑप्शन है, और बहुत से बंदों ने हालोरान को भी कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। तो ये कुछ SL के लिए डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं तो आप एंजल हॉल्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक रफ टीम है, कुछ भी फाइनल नहीं है, इसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। तो मेरी फाइनल SL टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाइए।